खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से आप मिलने जा रही हैं? खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस के सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। कितनी दर्दनाक घटना है जी। इस लड़के को हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए, वो खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो वो पीछे अपना हट गए, पीछे हट के अपनी जान बचाई, उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। आज परिवार के कौन कौन लोग गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और क्या आप लोगों ने क्या बातचीत करना मांगे? क्या परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मकान उनका गिराया जाए और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। जी। कौन आया था सवेरे मुलाकात करके लेके गए हैं परिवार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए? थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। कितने बजे? ये 7 बजे लगभग। कौन कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी और एक उनका भाई था वो साथ में गया है, किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। जिस तरीके से उनको गोली मारी, हाँ, तो हत्या की गई। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। क्या बजे सवेरे आए थे? कौन ले गया यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से आप मिलने जा रही हैं? खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। कितनी दर्दनाक घटना है जी। इस लड़के को, हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए, वो खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज़ सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो वो पीछे अपना हट गए, पीछे हट के अपनी जान बचाई, उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। आज परिवार के कौन कौन लोग गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और क्या आप लोगों ने क्या बातचीत करना मांगे? क्या परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मकान उनका गिराया जाए और उनका जो उचित मुआवजा हो
गोपाल की पत्नी को मिले। जी कौन आया था सवेरे मुलाकात करके लेके गए हैं परिवार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए? थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। कितने बजे? ये 7 बजे लगभग। कौन कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी और एक उनका भाई था, वो साथ में गया है किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। जिस तरीके से उनको गोली मारी, हत्या की गई, हाँ उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। सवेरे आए थे, कौन ले गया है यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है।